गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात। और शुरुआत हो रहा है एपिसोड नंबर 2 का दोस्तों। और हम लोग हैं कवर्धा शहर के पास चिल्फी घाटी में स्थित एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा रिसॉर्ट, छत्तीसगढ़ टूरिज्म के अंदर आने वाला। अभी लगभग सुबह 6 बज रहे हैं, कल रात को तो मैं सो गया था जल्दी, और आज देखो हमारा मॉर्निंग कैसा हो रहा है। मैं उठा तो अभी देखा बाहर का सीन इतना प्यारा और इतना सुंदर है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को क्यों ना एक बार दिखा दूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ पीछे का सीन एक बार। ऑलराइट, तो ये देख लीजिए, आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। पीछे पहाड़ वगैरह काफ़ी दूर अच्छा नज़र आ रहा है। जब मैं कल आप लोगों को दिखाया तो पूरा लगभग बादल से ढका हुआ था सारा पहाड़ वगैरह, लेकिन आज काफ़ी दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है। मैं आप लोग को वही नज़ारा दिखाने के लिए खासकर ये वीडियो की जो शुरुआत है आज इतने सुबह से मैं कर दिया। आप लोग को एक बार मैं अपने रूम के बालकनी से दिखा देता हूँ, और बहुत ही अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे, और मैं लिटरली बता रहा हूँ ठंडी भी लग रही है। लगभग यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा अभी लगभग 30 डिग्री के आसपास होगा या 28 के आसपास होगा। काफ़ी अच्छा ठंडा हवा चल रहा है यहाँ पे। ये तो ये हमारा फ्रंट टेरेस है, यहाँ पे बैठ के आप चिल कर सकते हैं या दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आप लोग को बालकनी से दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ऐसा कुछ व्यू आ रहा है हमारे बालकनी से। बहुत ही सुंदर जगह पे बनाया गया है हमारा जो कॉटेज है, जितने भी कॉटेजेस वगैरह हैं बहुत अच्छे सुंदर लोकेशन पे बनाया गया है। जस्ट हमारे लोकेशन के जो रिसॉर्ट के पीछे है, पूरा नीचे खाई आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी पहाड़ है। और कल इसी जगह पे पूरा बादल छा गया था, तो इसलिए आप लोगों को कुछ मैं दिखा नहीं पाया। लेकिन आज आप लोग देख सकते हैं, ये अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन अभी धीरे धीरे बादल ढकना चालू हो गया है। मैं थोड़ी देर पहले उठा तो और भी अच्छा क्लियर विजुअल आ रहा था सारे पहाड़ का, पर अभी तो हल्का हल्का बादल आ गया है। अभी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा और बादल ढकते जाएंगे पहाड़ों को। भाई उस तरफ देख लो एक बार, कितना प्यारा सनराइज हो रहा है उधर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमरे में शायद वैसा चीज़ कैप्चर नहीं हो पाएगा और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से लाइव देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत एकदम सुकून भरा चीज़ है देखने लायक है वो। अभी फिर भी थोड़ा बहुत बादल से ढका हुआ है, लेकिन आप लोग रुकिए, थोड़ी देर में वो मस्त एक नंबर पहाड़ एकदम चमचमाता नज़र आएगा। धीरे धीरे सूरज की जो पहली किरणें हैं वो पहाड़ पे पड़ रही है, यही चीज़ लेकिन यहाँ देखने लायक रहता है। चलिए देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद कैसा माहौल रहता है इसमें। जैसे भी हम लोग ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, नहा धो के अभी फ्रेश हो जाता है मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए जल्दी से वीडियो चालू कर दिया था। तो चलिए जैसे ही हम लोग नहा के तैयार होते हैं नाश्ता के लिए, और क्या आगे का हमारा प्लानिंग है वो आप सारा चीज़ आपको बताएंगे। तो फिलहाल चलते हैं फ्रेश होने के लिए, सीधा नहा धो के फ्रेश होकर मिलते हैं आपसे। तो चलिए फाइनली हम लोग रेडी हो गए जाने के लिए। प्लानिंग ऐसा है कि एक वाटरफॉल है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, रानी धारा नाम का वाटरफॉल है। तो हम लोग ने नहाना धोना तो अभी किया नहीं है, जस्ट ऐसे फ्रेश हो गए, ब्रश वगैरह कर लिया है, क्योंकि वहीं नहाने का प्लान है। चलो देखते हैं, अगर नहाने लायक मौसम रहेगा तो वहीं नहाएंगे, नहीं तो फिर वापस रूम आके नहाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे। चलिए निकलते। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. Some days I feel idiotic. हाँ जी, फाइनली रिसॉर्ट से निकलने के बाद हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे नाश्ता के लिए, यानी कि ब्रेकफास्ट पॉइंट में। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये रोड से थोड़ा सा अंदर 3 किलोमीटर अंदर में हमारा रिसॉर्ट है, क्योंकि रिसॉर्ट जाने का जो जगह है वो एक ही है, सिंगल वे है, और वहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आप लोग को ऐसा कुछ शहर टाइप का दिख जाएगा। छोटा सा शहर है चिल्फी नाम का, विद इन 500 मीटर के रेडियस में ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है। आपको यहाँ पे नाश्ता खाना जो भी मिलना है यहीं मिलेगा आपको, इसके आगे फिर कवर्धा जाना पड़ेगा लंबा थोड़ा सा, तो वहाँ मिलेगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं नाश्ता के लिए, देखते हैं नाश्ता में क्या है, कुछ अच्छा होगा तो आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो देख लीजिए ऐसा कुछ नाश्ता होने वाला है आज हमारा, गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी। लोकेशन तो कुछ ज़्यादा प्राइम नहीं है, ऐसा कुछ लोकेशन है। अब लोकेशन मैं आपको पिंग भी नहीं कर पाऊँगा, ये हमारे रिसॉर्ट के या मेन रोड के पास में ही है, आप लोग देख सकते हो, और जो लोग चिल्फी से वीडियो देख रहे होंगे उनको शायद पता होगा। तो चलिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ओवरऑल रिव्यू के साथ। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one. When the lights go out, I'm down to one last breath.
can't stop now, we all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight. हाँ जी, तो ये रानी देहरा का वाटरफॉल के लिए पार्किंग पर्ची है। यहाँ पे लिखा भी है रानी देहरा जलप्रपात पर्यटक विकास, और ये देख लीजिए ऐसा कुछ पर्ची है। चलिए फाइनली हम लोग नाश्ता करने के बाद सीधा रानी देहरा वाटरफॉल आ गए। मैं आप लोगों को नाश्ते के बारे में भी बता नहीं पाया। हाँ, नाश्ता ओवरऑल बहुत अच्छा था, जगह कोई खास नहीं था, लेकिन गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी निकाल के दिए सामने वाले ने, खाने में बहुत मज़ा आ गया और बहुत अच्छा टेस्टी था चने की सब्जी और पूरी जो मैं आप लोग को दिखाया। और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एक नोट लिखा है यहाँ से आगे शराब या भोजन ले जाना सख्त मना है और उस पर जुर्माना भी है 1000 रुपये। तो ये जो सीढ़ी है यही आगे जाता है वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल जो है ये रानी दर एक गाँव के नाम पर पड़ा है, जहाँ हम लोग रुके हैं सरोदा दादर रिसोर्ट, वो भी एक सरोदा दादर गाँव है, उसी के नाम पर वो रिसोर्ट का नाम भी पड़ा है। चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं आगे का क्या सीन है, आगे नहाने के लिए क्या है व्यवस्था वगैरह, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। पानी देख लीजिए अभी थोड़ा ही है, ज़्यादा तो पानी है नहीं। तो चलिए चलते हैं अभी अंदर अपना सामान वगैरह लेके, अपने भाई लोग तैयार हैं नहाने के लिए। चलो, रानी देहरा का एक बार मैं लोकेशन आपको बता दूं, अगर आप लोग कवर्धा से चिल्फी घाटी की तरफ जा रहे हो तो आपको राइट हैंड साइड में पड़ेगा, और अगर आप चिल्फी से वापस कवर्धा की तरफ जा रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। तो अभी हम लोग चिल्फी में रुके थे सरोदादर रिसोर्ट में, तो वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर वापस आए हैं कवर्धा तरफ, और वहाँ से हम लोग लेफ्ट लिए हैं। तो यहाँ पे रानी देहरा नाम का जो गांव है वहीं पे रानी देहरा वाटरफॉल है। तो चलिए ये सीढ़ी ऊपर जाने के लिए चलते हैं, भाई लोग तो सब चले गए ऊपर। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा मंदिर भी है यहाँ पे। तो लगभग 15-20 सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया गया है। पानी का आवाज़ आकर शायद आप लोग को आ रहा होगा तो आप लोग सुन सकते हैं। लगभग 100-150 सीढ़ी आप लोग को कम से कम चढ़ना पड़ेगा। बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा देख के आप लोग आइएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे कीचड़ आप लोग को फिसलन भरे एरिया मिलेंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। और हरियाली तो आपको भरपूर मिल जाएगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे कई ज़्यादा हरियाली मिल जाएगा। यहाँ से देख लीजिए लगभग हम लोग पहुँच ही चुके हैं वाटरफॉल के पास, यहाँ से थोड़ा सा क्लियर विजन मिल रहा होगा आप लोगों को। पानी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा पानी है नहीं अभी, तो होप सो नहाने लायक पानी हो ताकि हम लोग नहा सकें, लेकिन अगर पानी ज़्यादा हो तो आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा और हम लोग भी अवॉइड करेंगे उसको। तो चलिए देखते हैं अभी आगे चलते हैं, और बस थोड़ा सा रह गया है यहीं पे है, ज़्यादा नहीं, 150-200 सीढ़ी आप लोगों को चढ़ना पड़ेगा, ये मान के ही आइए आप लोग। अगर किसी को इसका प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे से भी वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ से मैं आप लोगों को दिखाया। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग ऊपर। हाँ जी, तो देख लीजिए फाइनली हम लोग टॉप में पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास में, और ये देख लीजिए यहाँ से है बहता हुआ वाटरफॉल रानी देहरा का। वहाँ नीचे देख लीजिए पानी का स्तर अभी काफ़ी कम है, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे पानी बढ़ता भी है। मेरे ख्याल से आप ये डंडी को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तक लगभग पानी भर जाता है ज़्यादा अगर बारिश वगैरह हुआ तो। चलिए चलते, काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पानी तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है, नहाने लायक है। चलिए देखते हैं आगे। मैं यहाँ देख लो काफ़ी सारे काई है, तो थोड़ा सा ध्यान से पैर रखिएगा जहाँ, वरना पैर फिसलने का भी डर है। तो देख लीजिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है वहाँ से, देख लीजिए। और यहाँ पे सब लोग नहाने के लिए रेडी। एक बार यहाँ से देख लीजिए, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, वहाँ से पानी नीचे भी गिर रहा है, तो नहाने लायक एरिया है मेरे ख्याल से, काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। चलिए इसका भी मज़ा लेते हैं साथ में। फाइनली हमारा नहाना हो चुका है, और यहाँ भाई लोग पूरा म्यूजिक सिस्टम ले आए हैं एंजॉय करने के लिए, बहुत ज़बरदस्त नहाना हुआ इन लोग का भी। चलो चलते हैं, वरना पीछे कॉपीराइट म्यूजिक का क्लेम आ जाएगा। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, ये कवर्धा को तितलियों का गढ़ भी माना जाता है, यहाँ पर काफ़ी सारे तितलियाँ हैं। मैं चल रहा हूँ तो क्रॉस हो रहा है ऐसे सामने से, अलग अलग टाइप्स के
तितलियाँ बटरफ्लाइज वगैरह हैं यहाँ पे, तो एक उस चीज़ का भी आप लोग मज़ा ले सकते हो। काफ़ी सारे टूरिस्ट आए यहाँ पे नहाने के लिए, भी नहाने के लिए तो बहुत अच्छा जगह था, अच्छे से नहा लिया जैसा मैं आप लोग को दिखाया ऑलरेडी वीडियो में। हाँ जी, तो रानी देहरा से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे बीच में लंच के लिए आ रुके हैं। फुलवारी ढाबा नाम है ये, आपको रानी देहरा और चिल्फी के बीच में पड़ जाएगा अगर आप लोग जाएंगे तो। यहाँ पे देख लीजिए सामने बोर्ड है फुलवारी ढाबा एंड रेस्टोरेंट। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या आइटम है खाने के लिए। और यहाँ ये सामने इसका एंट्री है, थोड़ा सा अच्छे पुराने ट्रेडिशन को यहाँ पे दर्शाया गया है जो टोकरी वगैरह लगा के। तो चलिए चलते हैं अंदर। ओम बागेश्वराय नमः, जय सन्यासी बाबा, ऐसा कुछ अंदर के यहाँ के एम्बियंस है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा अवेलेबल आप लोगों को। सब्जी, दाल, रोटी, चावल, सारा चीज़ मिल जाएगा। थाली सिस्टम भी है, इवन सादा थाली 120 है, स्पेशल थाली 150 है, शायद नॉनवेज भी मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। चलो देखते हैं मेनू वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसा कुछ मेनू है इस ढाबे का, फुलवारी ढाबा एंड रेस्टोरेंट। ये अंदर खोल के आप लोग इसका मेनू देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। काफ़ी सारा चीज़ ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे, सादा स्पेशल थाली दोनों है। नॉनवेज है कि नहीं? जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पे नॉनवेज भी है, मुर्गा बनाने के चार्ज। जल्दी से ऑर्डर करते हैं, आता है खाना फिर वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ जी, तो देख लीजिए आ गया हमारा खाना यहाँ पे, रोटी, दाल, तड़का और पनीर की सब्जी। तो चलिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फाइनली हमारा लंच हो चुका है यहाँ फुलवारी ढाबा एंड रेस्टोरेंट में। अगर रिव्यू बताऊँ खाने का तो ओवरऑल ठीक था, अच्छा था खाना, टेस्ट वगैरह रिजनेबल प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है। मैंने आप लोग को मेनू दिखाया है, उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। खाना अच्छा था नो डाउट। यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है हमारे साथ में, तो हम लोग तो लेके चले थे। मैं आप लोग को इसलिए दिखा दिया, अगर आप लोग कहीं इस टाइप के एरिया में आते हैं तो आप लोग भी साथ में लेके चले गाड़ी में, बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोग को कहीं पंचर वगैरह दुकान, टायर दुकान वगैरह नहीं मिलता है तो ये आपके काफ़ी काम आएगी। ये गाड़ी के अंदर चार्जिंग पोर्ट में लग जाता है और साथ वहाँ से वो एयर फिल होता है। तो चलिए जल्दी से इसको भरते हैं और चलते हैं यहाँ से। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा इसका, ज़्यादा होगा तो मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एयर फिल करते हैं अपने टायर में और निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं फिर आगे का क्या प्लानिंग है। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं रूम, तो एक काम करते हैं वीडियो को सीधा रूम जाके कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोग रूम आ गए हैं, और एक बार यहाँ से एक व्यू और ले लीजिए आप अभी, क्योंकि विजन बहुत क्लियर है, बारिश वगैरह भी नहीं हो रहा है और बादल भी नहीं है। अगर आप लोग मेरा पहला वाला एपिसोड देखे होंगे तो उसमें बादल वगैरह दिख रहा होगा आप लोगों को, तो काफ़ी क्लियर विजन है और काफ़ी दूर दूर तक नज़ारा दिख भी रहा है पहाड़। तो चलो अब रूम आ गए हैं, फिलहाल कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद वॉच टावर जाने का प्लान है हमारा। तो चलिए फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लगभग 3 बज रहा है अभी, 5 बजे के आसपास निकलते हैं रेस्ट करके। तब तक के लिए गुड बाय। ऑलराइट, तो चलिए लगभग समय बज गया अभी 5 हो गया रेस्ट, अभी निकल रहे हैं वॉच टावर के लिए। काफ़ी सारे प्लानिंग किए भाई लोगों ने, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल वहाँ लेट हो जाएगा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा 7 बजे के आसपास। चलिए निकलते हैं अभी। तो देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं वॉच टावर। ये वॉच टावर का एरिया है, सिलवारी करके कुछ नाम है, वहीं पे है, पीड़ा घाट के पास में पड़ेगा आपको। मतलब हम लोग यहाँ पे स्टे किए हैं सरोदा दादर में, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूर में ही है, तो ये ऐसा कुछ जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते जल्दी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि अंधेरा हो जाएगा, ऑलरेडी सनसेट होना चालू हो चुका है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। जी हाँ, तो देख लीजिए यही है सामने वॉच टावर, चलते हैं अभी ऊपर। काफ़ी खाली खाली है मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन चारों तरफ आपको हरियाली दिख जाएगा। ये आप अगर गर्मी के टाइम में आओगे तो ऐसा समर सीज़न में आपको शायद ऐसा नज़ारा ना मिले। हाँ, विंटर बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोग यहाँ पे आने का प्लानिंग करते हो। हर जगह चारों तरफ आप जहाँ भी देखोगे आपको पहाड़ी पहाड़ नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग है ही हिल स्टेशन में एक। तो चलिए अभी चलते हैं वॉच टावर के ऊपर में। जी हाँ, तो देख लीजिए भाई ऐसा कुछ दिखता है ऊपर से यहाँ का वॉच टावर। सिलवारी करके एक गाँव है हमारे, लगभग रिसॉर्ट से 10 किलोमीटर के दूर पर है ये, और ऐसा कुछ वॉच टावर है यहाँ से, और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है।
अभी तो लगभग शाम हो ही चुका है, आप लोग दूर देख सकते हैं वहाँ पे, वो जो दिख रहा है वो कवर्धा शहर दिख रहा है, मैं आप लोग को बता दूँ, काफ़ी दूर है। और यहाँ पे सामने आपको एक छोटा सा झील भी दिख रहा होगा। अंधेरा हो गया है, सनसेट हो चुका है वहाँ पे, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पा रहा हूँ। बाकी पूरा पहाड़ से भरा हुआ है, हरियाली से भरा हुआ है, अच्छा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अगर आप लोग इसका अगर एक्सपीरियंस लेना चाहें तो एक बार आ सकते हैं। गाड़ी पार करके आपको मेरे ख्याल से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, बस आप चल के आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए फाइनली हम लोग टावर पॉइंट से अपने रिसॉर्ट वापस आ चुके हैं और पूरा अंधेरा हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। हम लोग जा रहे हैं अभी रिसेप्शन में बात करने के लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, होटल का जितना भी डिटेल्स वगैरह है, नंबर वगैरह है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा। आपको रायपुर टूरिज्म में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को कुछ भी बुकिंग वगैरह कराना है तो बुकिंग वगैरह वहीं से होगा, लेकिन आपको रिसॉर्ट वगैरह कुछ जानकारी लेना है तो जो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ से आप कनेक्ट करके इनसे जानकारी वगैरह ले सकते हैं। तो चलिए, ये रिसेप्शन है, हम लोग अभी बॉनफायर करेंगे तो शायद उसका कुछ पूछने के लिए आए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो लोग ड्रिंक करते हैं यहाँ पे बार की भी सुविधा है, बार भी अवेलेबल है, ऊपर में बार है। हम लोग तो जा नहीं रहे हैं, अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे उस चीज़ का फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगा। हाँ जी भाई, तो देख लीजिए यहाँ हमारे भाई लोग का बहुत स्पेशल तैयारी चालू हो चुका है। ऑलरेडी हम लोग पनीर मैरिनेट कर लिए थे, मैं आप लोग को बताया हम लोग वॉस्ट एवर में जाके ये चीज़ बनाने वाले थे, बट वहाँ लेट हो गया, अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोगों ने प्लान स्किप किया और बाहर आके इसको बना रहे हैं। तो चलिए जैसे ये बनता है इसको दिखा दें, इसका टेस्ट भी आप लोग को रिव्यू वगैरह भी बताएंगे। मैं एक बात और आप लोग को बताना भूल गया कि यहाँ का खाने का मैं रिव्यू आप लोग को अभी तक नहीं दे पाया था, इसलिए आज रात का डिनर मैंने यहाँ का ऑर्डर किया है थोड़ा बहुत कुछ, बाकी तो हम लोग ये सब बना ही लिए थे, इसको इन्जॉय करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोग जैसे डिनर आएगा ना उसका भी रिव्यू ओवरऑल मैं आपको बताऊँगा। प्राइसेस वगैरह काफ़ी महंगे यहाँ के, मैं आप लोग को मेनू नहीं दिखा पाया, आप लोग आएंगे तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी टेस्ट वगैरह का रिव्यू मैं आज आप लोग को यहाँ के डिनर का बता दूंगा रिसॉर्ट का। तो चलिए जैसे डिनर और ये हमारा रेडी होता है मिलते हैं आपसे एक साथ। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल रात को काफ़ी नींद आ रहा था और डिनर करने के बाद हम लोग सो गए थे, मैं वीडियो को एंड भी करना भूल गया था और साथ ही साथ आप लोग को हमारा जो डिनर का रिव्यू है वो भी देना भूल गया था। जी हाँ, तो कल हम लोग रात को जो डिनर है वो रिसॉर्ट से ही ऑर्डर किए थे, क्योंकि 2 दिन हमारा स्टे था, हम लोग बाहर इधर उधर जाके खा रहे थे, रिसॉर्ट में कल पहली बार हम लोग खाए। नो डाउट खाना बहुत अच्छा था, प्राइजेस भी रिजनेबल है, मेनू कार्ड में आप लोग को बाद में दिखा दूंगा, आप लोग यहाँ आके भी देख सकते हैं। और हमारे भाई लोग ने जो पनीर वगैरह बनाया था वो भी काफ़ी अच्छा बना था। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग काफ़ी थके हुए थे तो सो गए थे, मैं वीडियो को एंड करना भी भूल गया था। तो चलिए ये वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Positivity.